कि एग्जाम आपके हो ही जाएंगे आपके, राइट? तो फटाफट आ जाइए, ज्वाइन करिए सेशन अपना, और सभी को आप सेशन क्या कर दीजिए अपना, फटाफट शेयर कर दीजिए जल्दी से, और करते हैं अपन लोग साइंस का महामॉक, राइट? इसमें हम लोग करने वाले हैं आपके आपका इंडियन कोस्ट गार्ड और जो नाविक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है बात? इंडियन कोस्ट गार्ड या नाविक का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग करेंगे आपका जीएस का मॉक, यानी कि साइंस का महामॉक, ठीक है बात? चलिए शुरू करिए अपना सेशन आज का, शुरू करते हैं अपन लोग, फटाफट आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ताकि देरी ना हो, कोई क्वेश्चन आपके छूटे ना यहाँ पर। और ये डेली जो क्लास चलेगी आपकी, इसकी टाइमिंग बता देता हूँ आपको, वो डेली जो क्लास की टाइमिंग है वो कितने बजे है, 3 PM, नोट कर लीजिए इसको, 3 PM पर आपका बाईटी पर क्लास होगी आपकी डेली डेली, इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी आपका डिफेंस के लिए एक क्लास और चल रही है, किसके लिए? डिफेंस के लिए एक क्लास चल रही है, वो क्लास कब चलती है? सुबह आपकी 7 AM पर, राइट? तो 7 AM पर आपकी क्लास और चलती है यूट्यूब पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपकी मास्टर क्लासेस भी 4 चलती हैं। आपने अगर अभी टेस्ट बुक ऐप परचेज नहीं किया है तो टेस्ट बुक ऐप को परचेज कर लीजिए, वहां पर आपकी 4 मास्टर क्लास चलती हैं, ये आपका नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपका 10 बजे, फिर आपका 11:30 पर चलती है, फिर आपका 5 बजे, एंड फिर आपका 8:30 बजे, तो ये 4 मास्टर क्लास भी चलती हैं। तो काफी क्लासेज हो गई आपके लिए, बट आपको पढ़ने की जरूरत है, सो फटाफट आ जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, शुरू किया जाए अपना सेशन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा जो आज का सिलेक्शन देख लीजिए कि 948 सिलेक्शन ऑलरेडी टेस्ट बुक करा चुका है, वो टोटल आपके डिफेंस एग्जाम में सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर इन्होंने 948 एग्जाम करा दिए, बहुत ही मतलब बढ़िया ही है। और इसके साथ साथ में याद करिएगा, योगेश हाय, योगेश यजाला हाय हाय। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ में आपका जो डेली क्विज चलती है यहाँ पर आपके विनर अनाउंस किए जाएंगे डिफेंस में, जो मास्टर क्लास है आपकी, तो मास्टर क्लास में आप याद रखिएगा कि लाइव कोचिंग आपका जीतने का मौका मिलेगा आपको, जो टॉपर्स होंगे उनको। तो 11:30 बजे मास्टर क्लास चलती है, उसको लेना मत भूलिएगा, ये आप जरूर ले लीजिएगा ध्यान से। अगर आपने पास परचेज नहीं किया है तो पास को परचेज कर लीजिए, और वहां पर आप कोड लगा सकते हैं एपीएस पास, आपको 10% यहां पर ऑफ भी मिल जाएगा, और आपको ये अगर आप टॉप करते हैं तो टॉप करने वालों को ये कोर्स जीतने का मौका भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स फिलिंग मेड ऑफ, चुंबक से बने भराव को आकर्षित करता है, आयरन एंड स्टील, ब्रास एंड द आयरन, ब्रास आयरन एंड स्टील, और आप हो जाएगा ओनली आयरन, केवल लोहा। मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट्स फिलिंग मेड ऑफ, तो याद रखिएगा यहां पर मैग्नेट की बात की जा रही है, तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, आप लोग आंसर देते जाइएगा। इसी के साथ मैं आपको सॉरी यार, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, ये बफरिंग होने लगा था यहाँ पर। चलिए अब दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। द एंजाइम पेप्सिन रिक्वायर्स विच मीडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, पेप्सिन एंजाइम को उचित कार्य करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, क्षारीय, एसिडिक, न्यूट्रल और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर जो आंसर आया है इंडियन यूट्यूबर का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, एसिडिक इज द राइट आंसर, ठीक है बात। चलिए एसिडिक इज द राइट आंसर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए वॉइस नहीं आ रहा सही से, मैं देख लेता हूं एक बार क्या दिक्कत आ रही है। अभी सही एक बार बता दीजिए मुझे, इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट, अभी एक बार बता दीजिए मुझे, इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। ठीक है अभी बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस आ रहा है, ऑडियो वीडियो इज क्लियर नॉट, अमित, फूलबत्ती, योगेश, यजाला, इज इट ओके नाउ, बता दीजिए एक बार, इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। ठीक है क्लियर है एक बार, तो फटाफट बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो पेप्सिन को जो रिक्वायर्ड मीडियम चाहिए होता है, वो चाहिए होता है आपका एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, राइट, ये नोट कर लीजिएगा, द मीडियम रिक्वायर्ड इज एसिडिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से, बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, राइट। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है, अमित, अमित फूलभट्टी बता दीजिए एक बार, अपना माइक चेक कर लीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, आपको दिक्कत आ रही है यहां पर, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ल्यूकेमिया थेरेपी। एक ल्यूकेमिया थेरेपी की जाती है, उस ल्यूकेमिया थेरेपी में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है? फॉस्फोरस 32, सोडियम 24 या आयोडीन 123 और द कोबाल्ट 60, इनमें से किस रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए? जल्दी से बताइए। चलिए फॉस्फोरस 32, सोडियम 24 और इसके साथ आ जाएगा आयोडीन 123 और द कोबाल्ट 60 आ जाएगा। फटाफट बताइए जल्दी से। कोबाल्ट 60 करेक्ट। चलिए कोबाल्ट 60 आप आंसर दे रहे हो। एनीवन धीरज ने दिया है कोबाल्ट 60, और कोई? चलिए एनीवन एल्स? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 इज द राइट आंसर। ये फॉस्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है किसके लिए? ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए। ठीक है बा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की बात की जा रही है तो यहां पर कंडक्टर एंड द इंसुलेटर एक चैप्टर आता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कंडक्टर होता है कौन सा कंडक्टर नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई मेटल रॉड है और मेटल रॉड में अगर हम इस छोर से इस तरफ से हम क्या करते हैं इसको हीट देने की कोशिश करते हैं और अगर ये छोर भी गर्म गर्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पर आपके ऑप्शन है इवोनाइट, आयरन, सिल्वर एंड द कॉपर। इनमें से सबसे बैड कंडक्टर जो हीट का है वो कौन सा होगा बताइए जल्दी से दोस्त। तो देखो आयरन जो होता है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए किचन में क्या होती है जो कढ़ाई और आपका आपका बोला जाए कि तवा हुआ या जितनी भी चीजें होती हैं किचन में किसकी होती हैं? आयरन की होती हैं, तो आयरन भी होगा। कॉपर के भी बर्तन होते हैं, इसके साथ साथ में चांदी भी हो जाएगा, ये भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। लेकिन जो इवोनाइट है दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए आंसर इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। पेप्सिन एक एंजाइम होता है धीरज सिंह जी, पेप्सिन एंजाइम होता है, तो एंजाइम को वर्क करने के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है यह पूछा गया था आप पे। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नंबर ऑफ द बोन्स इन थंब ऑफ हैंड, हाथ के अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, थंब की बात की जा रही है। तो आप काउंट कर सकते हो यहीं से, इसमें तो यार कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। आपकी जो फिंगर्स होती है फिंगर्स में तीन हड्डियां होती है, एक दो और तीन हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर थंब की बात करूं तो थंब में आप देख रहे हो कि एक हड्डी ये होती है एक हड्डी ऊपर होती है, चार कौन लगा रहा है? चार नहीं होती बेटा, थंब में जो हड्डियां होती हैं ऊपर देखो आप, थंब में थंब आपका दो एक जगह से मुड़ता है बस, तो एक जगह से मुड़ रहा है दैट मीन्स यहां पर एक और दो, यहां पर कितनी हड्डियां हैं? दो हो जाएंगी। ठीक है, दो हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो जो आप शुभाजीत नास्कर जी चार लगा रहे हैं, चार नहीं होती है बेटा, चार तो आपका जानवरों मतलब जानवर में भी नहीं होगी, तो इंसानों में उंगलियों में तीन होती हैं और अंगूठे में हो जाएंगी दो हो जाएंगी। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से टू, टू इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ प्लांट्स पौधों का अध्ययन है, या स्टडी ऑफ मैप्स मानचित्र का अध्ययन है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार का अध्ययन है, और स्टडी ऑफ द वर्ल्ड पक्षियों का अध्ययन है। फटाफट बताइए। और जितने भी आपके दोस्त ये तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, नाभिक की, तो फटाफट आप सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर देंगे बढ़िया रहेगा, उतना मजा आएगा, काफी लोग आ जाएंगे। चलिए शुभंकर जी ने करेक्ट आंसर दिया है, यहां पे बोल रहे हैं कि ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ स्टडी ऑफ अ बर्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड, ये आपका पक्षी का अध्ययन जो है कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, नोट कर लीजिएगा इसमें। यहां पे आपके तीन ऑप्शन और भी हैं, उनको भी देखते हुए चलेंगे हम लोग ताकि ये आपका जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज अ बॉटनी, बॉटनी इज नोन एज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको नोट कर लीजिएगा, बॉटनी इज नोन एज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको? कार्टोग्राफी बोलते हैं, कार्टोग्राफी। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अपन स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी, बोलते हैं ना कैसे साइको हो रखे हो, कैसी साइकोलॉजी है तुम्हारी, हाँ ऐसे वर्ड आप सुने होंगे। तो ये क्या होती है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, एंड साइकोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए 28 मार्च को आईसीजी का एग्जाम है बेटा, पढ़ते रहो यार, इंडियन यूट्यूबर पढ़ते रहो दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वन जूल इज इक्वल टू, ये अर्ग में आपका यूनिट पूछी जा रही है कि ये आपको देखो यार ये क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं,
आप मान के चलो कि इन क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसमें कोई भी आप दिमाग लगा ही नहीं सकते हो। आपका आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो मतलब एकदम से बेकार बात हो गई, राइट। तो 10^7 कि 10^7 जो 7 होता है वो होता है 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10^7 हो जाएगा, ठीक है बात क्लियर हो गई। तो बी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, सबके सही हो गए, क्या बात है, बढ़िया तैयारी कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो। चलो अब आपको क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, ये कॉनकेव मिरर आपका है, कॉनकेव मिरर पे आपका क्या रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा, सपोज दैट ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब यहां पे बात की जा रही है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो जो यू हो गया, यू कितना हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जब हम मिरर बनाते हैं तो ये साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये साइड जो हो गई वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहां पर जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, माइनस लेंगे यहां पर, माइनस आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। वी जो हो जाएगा यहां पर वो वी निकल के आएगा कितना, अब दिया हुआ आपको, नहीं दिया यही तो निकालना है, इमेज फॉर्म। और यहां पर जो एफ दे रखा है, एफ की जो आपकी लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकल जो बनेगा वो इधर साइड बनेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका कॉनकेव मिरर का आपका निकालने का, तो 1/f, नोट करिएगा इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब इसमें सारी वैल्यूज आप रखोगे, उस वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आना चाहिए, आप नोट करिएगा, यह जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 30 किसने दिया था आंसर, ये सुभोजीत नस्कर। आपको लगता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट किसमें बनेगा आपका, नेगेटिव साइड ही तो बनेगा इस साइड में, तो 1/f यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो हो जाएगा कितना, 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा। इधर आप करोगे कितना जाएगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा 5, 5/ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा -5/ कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, -5/150 इज इक्वल टू 1/v। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी -30 निकल के आएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां से क्या होने वाला है आपका, -30 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग जो डिस्टेंस लेते हो इसमें गलती मत करिएगा, अगर आपके आपका जो भी मिरर या लेंस है, लेंस के लेफ्ट राइट साइड कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इमेज बन रही है, तो साइन क्या होगा, इधर नेगेटिव होता है डिस्टेंस का, और इधर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज बन रही है तो साइन क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव होता है, ये नोट कर लीजिएगा बस, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर -30, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, जो श्वास प्रणाल बोलते हैं जिसको, वो नामक जो नालियों का जो जाल होता है वो किसके श्वसन अंग होते हैं। नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स, यहां पे ट्यूब्स कहे जाते हैं, ये ट्यूब्स पाए जाते हैं किसके लिए, आपका ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ ट्यूब्स। यहां पे लंग्स नहीं होते इनके पास, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स हैं, वो नहीं होते हैं, इनके पास गिल्स भी नहीं होते हैं, गिल्स भी नहीं पाए जाते हैं, इनके पास क्या पाए जाते हैं, ट्यूब्स पाए जाते हैं। इन ट्यूब्स को हम लोग ये देखेंगे कि कौन से में पाए जाएंगे, इंसेक्ट में पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाएंगे, या आपका शंभु किसको म्यूजल्स बोलते हैं उसमें पाए जाएंगे, बताइए जल्दी से। चलिए अर्थवॉर्म, केंचुआ, केंचुआ तो स्किन आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। फिशेस की बात करूं तो यहां पर गिल्स आ जाएगा, ये गिल्स यहां पे पाई जाती हैं इनके अंतर्गत, ठीक है। और जो इंसेक्ट पाए जाते हैं, इन इंसेक्ट के अंदर होते हैं ट्यूब्स, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड धीरज एंड सुभाजीत, एंड सुभाजीत नस्कर ने दिया है इंसेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो बोलते ना कैसे कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो तुम, तो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी मत जियो, इंसानों की जिंदगी जियो। इंसान के पास क्या पाए जाते हैं यहां पर, ये फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, यहां पर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग यानी कि जिसको हम लोग मेंढक बोलते हैं, मेंढक जो सांस लेते हैं, इनके सांस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या पाया जाता है, मतलब इनके पास लंग्स होते हैं या गिल्स होते हैं या स्किन के थ्रू लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, बताइए जल्दी से। चलिए फटाफट बताइए, फ्रॉग या मेंढक, देखते हैं आप में से कौन आंसर देता है जल्दी से। चलिए आप में से किसी का आंसर नहीं आ रहा, फटाफट आंसर दे दो यार, इतना टाइम मत लगाओ मेरे दोस्त। चलिए कोई आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का,
स्किन से लेते हैं, सुभाकर सेन ने बोला स्किन से लेते हैं बेटा, जो फ्रॉग है ना वो कहां रहता है, पानी में रहता है, ये वाटर में भी रहता है, और वाटर के साथ साथ में ये कहां रहता है, ये नोट कर लीजिएगा, वाटर के साथ साथ में ये आपका जमीन पे भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, ये नोट कर लीजिएगा, वाटर के साथ साथ ये लैंड पे भी रहेगा, ठीक है। जय हिंद जतिन यादव जी, जय हिंद। तो जब वाटर में रहता है तब ये गिल्स के थ्रू लेता है, यहाँ पे इसके गिल्स पाए जाते हैं, और जब ये लैंड पे होता है, जमीन पे रहता है कई सालों तक, कई कई महीनों तक ये जमीन के अंदर बना रहता है, तब ये स्किन के थ्रू क्या लेता है, सांस लेता रहता है। तो ये गिल्स और स्किन यहां पर दोनों ही पाए जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, राइट योगेश, सिर्फ स्किन नहीं होगा यहां पर, राइट। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। Which of the following aquatic animal does not have gills? निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉन फिश या वेल मछली, किसके अंदर गलफड़े नहीं पाए जाएंगे या गिल्स नहीं पाए जाते हैं, ये बताइए जल्दी से। चलिए ऑक्टोपस के अंदर बस की एक ऐसे जो लाइन होती है, आपने देखा होगा एक जो हैंड होता है, इस हैंड पे छोटे छोटे आपने देखा होगा कि बिंदी बनी होती है, वो बिंदी क्या होती है, इसके गिल्स होते हैं, ये छोटा 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 जो होते हैं वो सांस लेने के लिए होते हैं, ऐसे करके ऑक्टोपस होता है, राइट। इसके अगर एक ब्रांच में और बनाऊं तो ऐसे करके ऑक्टोपस बनेगा, ये देखा होगा आपने कि इसके ऊपर बने होते हैं, तो इसमें भी आपका गिल्स पाए जाते हैं। स्क्विड की बात करूं तो इसमें भी गिल्स पाए जाते हैं, क्लाउन फिश होती है इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो वेल मछली है, वेल मछली क्या है, एक मैमल होती है, क्या होती है, दिस इज अ मैमल, क्या होती है, दिस इज अ मैमल, तो मैमल में आपका जो है वो गिल्स आपके नहीं पाए जाएंगे, तो इसलिए आपका वेल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात बोलो हाँ या ना, ऑक्टोपस नहीं होगा बेटा, वेल इज द करेक्ट आंसर, वेल मछली में यहां पे नहीं पाया जाता है, वेल मछली में गिल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए हाँ, टेडपोल में होता है, मतलब शुभांकर दास जी सही बोल रहे हैं यहां पर, तो यह दोनों से सांस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, यहां पर मैमल्स होती है, यहां पर वेल मछली में आपका ये गिल्स जो है वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रिटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ट्रिटिकम एस्टिवम निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चावल का है, व्हीट का है, लिखा है ट्रिटिकम एस्टिवम, फटाफट बताइएगा दोस्त, ट्रिटिकम एस्टिवम जल्दी से बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ट्रिटिकम एस्टिवम निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चावल, गेहूं, सोयाबीन या मूंगफली? नहीं सही चल रहा है यार, बफरिंग नहीं हो रहा, आप एक बार नेट चेक कर लो, बफरिंग नहीं हो रहा अभी। कोई बात नहीं, नहीं कोई आइडिया नहीं, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ट्रिपिकल एस्टिवम किसका साइंटिफिक नेम होता है। ट्रिपिकल एस्टिवम जो है वो आपका गेहूं का साइंटिफिक नेम है, ये नोट कर लीजिएगा। और यहां पर अगर राइस का पूछा जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा ओराइजा सैटिवा, याद रखिएगा ओराइजा सैटिवा, राइट, ये आपका किसका हो जाएगा, ये राइस का हो जाएगा ये। और आपका सोयाबीन का अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ग्लाइकिमैक्स, राइट, ये किसका हो गया आपका, ये नोट करिएगा, ये हो गया आपका किसका, सोयाबीन का हो गया। ग्राउंडनट की बात करें, मूंगफली की बात करें तो जाएगा आरकिस हाइपोगिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, बढ़िया, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़े तो वीट इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है आप लोगों के पास, आंसर दे दे रही है फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दे दे रही है ताकि सेशन में मजा आए। For a body moving with the constant speed in the horizontal circle, which of the following remains constant? एक क्षैतिज चक्र में स्थिर गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बना रहता है? Acceleration, velocity, momentum और the kinetic energy? ये बताइए फटाफट। For a body moving with the constant speed in a horizontal circle, which of the following remains constant? Acceleration, velocity, momentum या kinetic energy? बताइए जल्दी से। एक्सेलरेशन होगा? नहीं बेटा, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। तो याद रखिएगा जब कभी अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है यहां पर, अगर सर्किल की बात चल रही है यहां पर, तो जो लोग लगा रहे हैं यहां पर एक्सेलरेशन, बताइएगा अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन सेम हो ही नहीं सकता है। अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो यहां पर याद रखिएगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वेरी करेगा यहां पर एक्सेलरेशन, तो ये तो नहीं हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड पाया जाता है और इसके साथ साथ में क्या पाया जाएगा, डायरेक्शन भी पाया जाता है। तो सर्किल में अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैग्नीट्यूड उसका सेम भी है तो पॉइंट पॉइंट हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी भी उसकी क्या होती रहेगी, चेंज
चेंज होती रहेगी तो वेलोसिटी भी नहीं हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप याद रखिएगा, तो ये मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम इंटू वी, राइट। यहां पे बी जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिया जाता है, तो मोमेंटम भी क्या होगा यहां पे चेंज होगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv². मास जो है वो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी यहां पे, सेम रहने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी, राइट, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही दिया है, डी इज द राइट आंसर। समझे आप, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सर्किल पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लेते हैं इसमें मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी है चेंज होती रहेगी, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स द स्पीड, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा कि जितना सॉलिड आपका मटेरियल होगा वहां पर साउंड की स्पीड क्या रहेगी, तेज रहेगी, यहां पर सबसे हाई रहती है। अगर लिक्विड की बात करूं मैं, तो लिक्विड में हो जाएगी आपकी मीडियम, और अगर गैस की बात करूं तो यहां पर हो जाएगी आपकी लो हो जाती है, और अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता ही नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम यानी कि उसको क्या चाहिए होंगे, पार्टिकल्स चाहिए होंगे। जितने पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, जितने पार्टिकल्स क्लोज में होंगे उतना ही साउंड का स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या हम यूं कह लें कि जो डेंसिटी है अगर जितनी हाई रहेगी, तो डेंसिटी अगर हाई है तो साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो यहां पर याद करिए फटाफट, एयर, वाटर, स्टील एंड द केरोसिन, ठीक है। तो पहले नंबर पे यहां पे क्या रहेगा, पहले नंबर पे तो रहेगा आपका स्टील, स्टील में सबसे तेज जाएगी, फिर आप याद रखिएगा केरोसिन एंड द वाटर। पानी में जब हम केरोसिन डालते हैं तो केरोसिन ऊपर तैरता है, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा पानी, थर्ड नंबर पे आ जाएगा केरोसिन एंड द फोर्थ नंबर पे आ जाएगा वायु। अब यहां पे अधिकतम पूछा है इन्होंने, तो अधिकतम बता दीजिए क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा स्टील, ठीक है, स्टील। तो पहले जमाने में जब ट्रेन चला करती थी, तो ट्रेन के टाइम पर, पहले टाइम पर लोग इसका हॉर्न नहीं सुन पाते थे, तो लोग जो ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी पर कान लगाते थे और बता देते थे कि ट्रेन आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो वहां पर उनको हल्का सा वाइब्रेशन और फील होता था मेटल में, जिस वजह से लोग बता देते थे कि ट्रेन आने वाली है, राइट। जो गडरिए हुआ करते थे जंगलों में, या जो गाय भैंस चराते थे, तो पहले लोग सुन लेते थे कि ट्रेन कहीं आसपास तो नहीं है, क्योंकि वहां पर सिग्नल तो है नहीं। अब मान लीजिए भैंस क्रॉस कर रहे हैं, गाय क्रॉस करा रहे हैं, तो उनको क्या होता है, वो सुन लेते हैं ऐसे करके पहले कि कोई आवाज नहीं आ रही तो ट्रेन पास में नहीं है, ठीक है। तो ये काफी यूज होता है यहां पर, राइट, लोग पहले यूज क्या करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, सोचो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज द ओवर इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों द्वारा पानी का अधिक संवर्धन क्या कहलाता है, इसको बोला जाए यूट्रोफिकेशन या एसिडिफिकेशन, वाटर पॉल्यूशन या हाइड्रोफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन तो ये हो जाएगा जब पानी में एसिड की मात्रा बढ़ जाए, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा जब पानी क्या हो जाए आपका, गंदा हो जाए। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट्स से जब बढ़ जाते हैं, इसको हम लोग यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं, सुपोषण के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए, फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है। तो याद रखिएगा यहां पर हमारे जो ब्लड में दो तरीके की जो नसें हैं वो पाई जाती हैं, एक तो होती है आर्टरी, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, और एक होती है वेंस, ठीक है, एक होती है वेंस। तो एक में बहता है क्या, प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, और एक में बहता है आपका जो आपका टॉक्सिक ब्लड कह सकते हैं, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, राइट, ये बहता है। तो आर्टरी और वेंस में क्या होता है कि आपके याद रखिएगा कि एक में आपका जो बाल्ब से वो पाए जाते हैं, एक में बाल्ब जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो जो बाल्ब लगाए, बाल्ब जो होते हैं, ये बाल्ब क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये काम करते हैं दोस्त किस चीज का, ये बैकफ्लो ब्लड को रोकने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल्ब इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये बाल्ब पाए जाते जाएंगे, ये आर्टरी में पाए जाएंगे या वेंस में पाए जाएंगे, आप में से कोई बताना चाहेगा मुझे। पाए जाते हैं फालतू खान, फालतू काम, बेटा फालतू काम नाम से रखा करो यार, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, सो इफ यू वांट टू बिकम अ ऑफिसर देन बिहेव लाइक अ ऑफिसर ब्रदर, राइट। ये सब नाम बदल दिया करो, अपना नाम रखो ओरिजिनल जो मां बाप ने रखा है, ठीक है। चलिए, जो बाल पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाएंगे, आर्टरी में पाए जाएंगे या वेन पाए जाएंगे, ठीक है। एक लड़का आता था मेरी क्लास में, उसका नाम था पपीता, उसने नाम रखा हुआ था अपना पपीता, ठीक है, ऐसे करके नाम भी लोगों ने रखे हुए हैं, बट पता नहीं क्यों रखते हैं लोग नाम। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, वेंस में पाई जाती है, बहुत बढ़िया धीरज, बहुत बढ़िया। चलिए, आर्टरीज में पाई जाएंगी या वेंस में पाई जाएंगी, जल्दी से बताइए आप लोग।
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां जाएगा, ये आपका जाता है कहां पर, हार्ट की साइड में जाता है, दिल की साइड में जाता है ये आपका। इस और याद रखिएगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आपका इंप्योर ब्लड होता है, ये इंप्योर ब्लड बैक ना करे, इस वजह से यहां पर क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, चलिए सर इनमें से आएंगे तो क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली आएंगे, सरता जी आप लगाते रहिए एग्जैक्टली आएंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, रे, किरण, ये तो एकदम गलत बात हो गई, ये तो किसी मूवी का नाम लग रहा है, रे हो गया, ठीक है, किलो जूल्स हो गया, किलो जूल्स भी यहां पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसको बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है डी से, डिनोट किया जाता है, कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट किया जाता है एसआई यूनिट पावर ऑफ द लेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा, वेरी गुड, डिस्कवर फैक्ट दलवीर सिंह जी एंड फालतू काम, बढ़िया। चलिए डायरेक्टर बोलते हैं, इसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, जो ब्रास होता है या जिसको पीतल बोलते हैं, ये पीतल पीतल जो है तांबा और किसका अलॉय है या मिश्र धातु है, तो धातुओं को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए या इनको मजबूती प्रदान करने के लिए इनके अलॉय बनाए जाते हैं, तो यहां पर एक ब्रास का एग्जांपल आपसे पूछा है कि ब्रास जो है वो किसका हो जाएगा, बताइए जल्दी से फटाफट, ब्रास हो जाएगा, ब्रास बताइए जल्दी से। चलिए ब्रास हो जाएगा बेटा, ब्रास हो जाता है किसका अलॉय, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ठीक है बात, कॉपर एंड जिंक का जो अलग हो जाएगा वो कौन सा होता है, ब्रास होता है, राइट, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की जो लगभग लंबाई का जो मात्रक है वो किसमें नापते हैं आप लोग, किलोमीटर में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं या जूल में नापते हैं, किसमें नापा जाता है बताओ दोस्त, फटाफट जल्दी से बताइए किसमें नापोगे आप, देखते हैं कि आपके आंसर आ रहे, जल्दी से बताइए। तो ये होता है बेटा बर्न एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एवरेज क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन अर्थ एंड द सन। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर सन पाया जाता है और सन बिल्कुल बीच में नहीं होता है, सन थोड़ा सा किनारे होता है और अर्थ इसके पास पास रिवॉल्व करती है, राइट, तो ये जो डिस्टेंस आती है 15.2 आती है और ये 14.7 आती है, तो इन दोनों का जो एवरेज करके निकाला जाएगा, दोनों का सम करके अपॉन टू करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया, चीते हो आप लोग यार, बढ़िया, क्या बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत सुंदर, ऐसी तैयारी करते रहो, मेहनत से लगे रहो, सिलेक्शन होगा यार, क्यों नहीं होगा, आप लोग मेहनत कर रहे हो, दोपहरी में कुछ लोग सो रहे होंगे, आप पढ़ रहे हो यार, तो ऑब्वियसली बात है कि पढ़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन होगा ही होगा, राइट, लगे रहो एकदम धारणा, एग्जाम से पहले डिप्रेस मत होना, जितना आपने पढ़ा उस पर भरोसा रखना, मैं वादा करता हूं आप लोगों से सिलेक्शन आप लोग लेके जाओगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द विच फ्रीक्वेंसी, जो वाईफाई होते हैं घरों में वाईफाई लगे होते हैं, ये किस आवृत्ति पर काम करते हैं, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, ये अल्ट्रावायलेट पे काम करते हैं, अल्ट्रावायलेट तो यार रेज होती हैं जो सूर्य की किरणों में पाई जाती हैं, जिसको ओजोन लेयर जो होती है वो रोकने का काम करती है, ठीक है, ये तो नहीं हो जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, एक्सरे भी नहीं होगा यहां पर, एक्सरे भी यहां पर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, एक्सरे भी क्या हो जाएगा यहां पर, कुछ लोगों का सी आंसर आ रहा है, कुछ लोग यहां पे डी आंसर दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये रेडियो वेव्स होती हैं, राइट, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भी काम करता है वाईफाई, राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, डी इज द राइट आंसर, इंफ्रारेड नहीं होगा बेटा, इंफ्रारेड तो कतई नहीं होगा, ठीक है, हीट करने लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ रेनबो, निम्न में से क्या इंद्रधनुष की रचना का मुख्य कारण है, बताइए जरा फटाफट, इंद्रधनुष की रचना का मुख्य कारण क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, रिफ्रेक्शन के थ्रू बनता है या रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है, चलिए, और डिस्पर्शन के थ्रू बनता है या ऑल ऑफ द एबव, इनके उपरोक्त सभी के कारण बनता है, बताइए जल्दी से फटाफट, चलिए मिस्टर डिस्कवर बोल रहे हैं डिस्पर्शन के कारण बनता है, रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, कौन सा प्रोसेस होगा इसमें, बहुत बढ़िया, जरा बताइए रेनबो, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं आप लोग, फालतू काम ने दिया है आंसर ऑल, तो ऑल जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑल आपका करेक्ट आंसर होगा, डिस्कवर फैक्ट ने भी आपका आंसर दिया ऑल ऑफ द एबव, इसमें सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्सन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, योगेश अजाला ने भी अब 4 कर दिया है, चलिए जितिन ने भी, जितिन अभी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
On heating one end of iron rod, other end also gets heated. Such material are called. इसको अगर एक सिरे से गर्म किया जाए तो ये दूसरे सिरे पे भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, सेमी कंडक्टर ऑफ हीट, क्या कहा जाएगा? या हीटर या उष्मक कहा जाता है. क्या कहा जाएगा जल्दी बताइए दोस्त फटाफट. चलिए जल्दी से. और क्लास को जितने भी लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त यार जितने भी जानने हैं, सबको शेयर करिए. और फटाफट अपना शेयर करने के बाद आपकी क्लास ये डेली चलेगी. कितने बजे? 3 बजे आपकी क्लास चलेगी. कितने बजे चलेगी ये? 3 PM पर आपकी ये डेली क्लास चलेगी. इसको नोट कर लीजिएगा. और इसके साथ साथ में सुबह एक डिफेंस की क्लास और चल रही है मेरी पूरी, उसमें कंप्लीट जीए आपको पढ़ाई जा रही है. ये क्लास चलेगी आपकी कितने बजे? 7 PM पर चल रही है, ठीक है. और टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. आपकी जितने भी यूट्यूब की क्लासेस की जो PDF होती है, ये PDF सारी की सारी मिल जाएंगी. और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मेरा, उसको नोट कर लीजिएगा. APS सर टेस्ट बुक के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. राइट, APS सर टेस्ट बुक के नाम से हो जाएगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट इनको कहा जाता है, ठीक है. बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फिश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट. निम्नलिखित तत्वों में से मछली किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? जो फिश खाते हैं लोग, फिश किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, विटामिन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, या नन ऑफ द एवर? तो याद रखिएगा, जितने भी आप मीट वगैरह खाते हो, मीट खाते हैं जो लोग, या फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, इन सब में जो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है किसका हो जाएगा? ये प्रोटीन का अच्छा रिच सोर्स होता है. रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है. बात ये नोट कर लीजिएगा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये वाला आपका, ठीक है. बात चलिए आगे बढ़ा जाए. तीसरा इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया बलवीर सिंह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ कार ऑफ मास 300 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 10 m/s. द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 4/3 m/s². अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 100 N इज अपोजिंग इट्स मोशन. फाइंड द पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार इन दिस केस. बताइए जल्दी से. एक कार है जो मूव कर रही है ऐसे करके, सपोज दैट आपको मैं कार बना देता हूं. कार आपकी कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी, ठीक है. ये कार हो गई, ये कार आपकी मूव कर रही है. किस डायरेक्शन मूव कर रही है? इस डायरेक्शन मूव कर रही है. सपोज दैट जिसका मास कितना है वो हो जाएगा आपका 300 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है. ये आप नोट कर लीजिएगा. एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया? A = 4/3 m/s² हो जाएगा, ठीक है. इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगा रही है? फोर्स लगा रही है कितना? ये 300 × 4/3 यानी कि आ जाएगा 400 N. 400 N का फोर्स खुद लगा रही है, और 100 से क्या हो रहा है? इसको अपोज कर रहा है. 100 से क्या हो रहा है? एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है 100 N की. तो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? ये लग रहा है 500 N जो है वो टोटल फोर्स लग रहा है. ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है. अब यहां से क्वेश्चन आ रहा है यहां से कि इसका पावर कितनी जनरेट की जाएगी. तो जो पावर जनरेट की जाती है इसका फॉर्मूला होता है कि P = force × distance upon time जो है वो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा. अब आप लोग यहां पे देखो, फोर्स तो आपने निकाल लिया, ठीक है. फोर्स तो आपने निकाल लिया. अगर फोर्स आपने निकाल लिया है तो यहां पर क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या यहां पर? डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग स्पीड लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, नाम जवाब दीजिएगा आप लोग. तो फोर्स कितना हो गया? 500 N into distance upon time. क्या हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्पीड लिख सकते हैं. तो यहां पे कितनी दे रखी है स्पीड आपको? 10 m/s दे रखी है. तो यहां पे हो जाएगा 500 × 10 यानी कि हो जाएगा ये 5000 W यानी कि इसको कह सकते हैं 5 kW. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए इज द राइट आंसर. 5 kW इज द राइट आंसर, ठीक है. ए इज द राइट आंसर. हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? किसके किसके समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया बता दीजिए, मैं फिर से बता देता हूं. एक बार बता दीजिए मुझे, किसके समझ में नहीं आया? चलिए 5 इज फालतू काम बेटा. एक बार मैसेज किया करो दोस्त, एक बार में आ जाता है मेरे पास. फालतू काम नाम देखो कैसा रखा हुआ है. लेने में भी मुझे नाम अजीब लग रहा है. आपका रियल नाम क्या है बेटा? फालतू काम. करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 kW इज द राइट आंसर, ठीक है. किसके किसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं. आप में सुन गई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? चलिए जल्दी से बताइए. आप में सुन गई ऐसा तो नहीं है जिसके समझ में नहीं आया वो? ये आई थिंक कोई नहीं है ऐसा.
चलिए, हिमांशु नाम है आपका, हिमांशु, ठीक है, मैं हिमांशु नाम लूंगा आपका, फालतू काम नहीं लूंगा मैं। सबके समझ में आ गया चीज, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम्स अप का साइन दे दीजिए अगर समझ में आया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बोन्स आर कार्टिलेजेस आर, हड्डी और जो उपास्थिति होती है वो क्या होती है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल मस्कुलर टिश्यू होते हैं, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, या कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू होते हैं? व्हाट इज कॉल्ड बोन एंड कार्टिलेज? चलिए जल्दी से बताइए, बोन एंड द कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज आर द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसको कंकाल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। हेलो योगेश या जरा, हेलो प्रतीक, हाय। इसको मानते हैं हम लोग किसके नाम से जाना जाएगा? कंकाल संयोजी ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, ध्वनि के माप की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या अकोस्टिक्स, जिसको ध्वनिकी बोलते हैं, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नॉइज, नॉइज को किसमें मेजर किया जाता है? तो नॉइज को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करेंगे? डेसिबल में मेजर जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। फॉर द नेगेटिव वर्क डन, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी, जो नेगेटिव वर्क के लिए आपका जो एंगल होना चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि जो वर्क होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि उसको बोले तो एफ एस कॉस थीटा, राइट, डॉट का प्रोडक्ट हटाएंगे यहां से तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू याद रखिएगा कि 0 से 90 के बीच में बात करेंगे तो पॉजिटिव होगी यहां पर, लेकिन जैसे ही ये ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ जाएंगे 90 क्रॉस करेगी ये वैल्यू, तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगी यहां पर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है बात, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक इट प्रोड्यूसेस, जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तो यह क्या उत्पन्न करती है? प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न करेगी, सिंथेसिस गैस उत्पन्न करेगी, टियर गैस उत्पन्न करेगी, या कोल गैस उत्पन्न करती है जब स्टीम को पास किया जाता है ओवर द हॉट कॉक? फटाफट बताइए, जब हॉट कॉक के ऊपर से जब हम इसको पास करेंगे स्टीम को, तो ये कैसी गैस बनाएगी यहां पर? तो ये सिंथेसिस गैस का निर्माण करती है, जिसको हम लोग संश्लेषण गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी आपका, राइट। मैं आपको स्पीड में इसलिए करा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टाइम लेने वाले नहीं है, इन क्वेश्चनों में आपको आता होगा तो आप कर ले जाओगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं गया था जब एनटीपीसी का एग्जाम देने, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम दिया था मैंने, तो उस वक्त मेरे जो मार्क्स आए थे 2016 वाले में, ये 95 से ऊपर मार्क्स थे मेरे, और वहां पर जो साइंस के क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जो आपको आते होंगे तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं आते होंगे, सिंपल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और इसके अलावा मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मेंस आपका लिख चुका हूं मैं, लोअर पीसीएस मेरा क्वालिफाई हो चुका है, और एज अ सिविल इंस्पेक्टर आपका सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में वो भी क्वालिफाई कर लिया है। एसएससी वगैरह मैंने दिया है 2-3 बार, सीएचएसएल क्वालिफाई किया, सीजीएल 2 बार दिया हुआ है। ठीक है बात, और रेलवे मैंने एग्जाम दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। स्पीड में आप क्वेश्चन करो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर पाओगे ना उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में? चलिए, और ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो लगेगा माता रानी का पाप, हम बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करिएगा, माता रानी का पाप लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, जो कोशिका स्तवक नीच संयंत्र में सामान्य रूप से शामिल नहीं होगा, इनमें से क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है विल नॉट कंटेन नॉर्मली, इसको बोलते हैं कोशिका स्तवक, कोशिका स्तवक निसंयत बोलते हैं। ठीक है, समान रूप से शामिल नहीं होगा, बताइए जल्दी से। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, चलिए ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड, या आपका आ जाएगा यहां पर क्रिएटिनिन या एल्बुमिन। याद रखिएगा यहां पर जो ग्लूकोज है ये आपका पाया जाएगा, इसके साथ साथ में सोडियम क्लोराइड भी पाई जाती है, सॉल्ट पाया जाता है, जो आपकी क्रिएटिनिन होती है ये भी पाया जाता है, लेकिन आपका जो एल्ब्यूमिन होता है ये नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, यानी कि फोर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट या तत्वों को हम लोग संक्रमक रासायनिक तत्व के नाम से जानते हैं, या इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं? तो ये आपको रटने वाले क्वेश्चन है कि कौन से आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर वन इज द राइट आंसर, राइट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बोलो आई बात समझ में? डी ब्लॉक, वेरी गुड बलवीर, बहुत बढ़िया।
धीरज बहुत बढ़िया, चलिए सही आंसर दिया आप लोगों ने। आप लोग आंसर कर 36 लोग हो आप लोग, और 36 लोगों में जो आंसर है वो बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, तो 36 लोगों में आंसर कम क्यों आ रहे हैं भाई? आप आंसर बढ़ाओ। डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? कॉपर का, टंजस्टन का, एल्युमिनियम का, लेड का, इनमें से किससे बना होगा बताइए जल्दी से फटाफट। ये बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, हलवा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है, आप इसको खा लो एकदम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंजस्टन। किसके बने होते हैं ये? टंजस्टन के बने होते हैं, ठीक है, टंजस्टन। यहां से एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं आप लोगों से कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, जो डिस्कवर किया है इलेक्ट्रिक बल्ब, आप में से कोई बताएगा कि हु इज द डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, किसने इसका आविष्कार किया है? फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाला हूं, जल्दी से बताइए फटाफट। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया है? एनीवन, फटाफट आंसर देते रहो यार, तेज बच्चे हो आप लोग, पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? कोई है आप में से? कोई है चीता जो आंसर दे सके? ओहो, देखो टंजस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस वजह से टंजस्टन को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हीट करने, हीट जब करता है तो हीट के साथ साथ ये ग्लो भी करता है, हीट के साथ साथ ये ग्लो भी करता है, इस वजह से ये क्या माना जाता है, टंजस्टन यूज किया जाता है। चलिए थॉमस एल्वा एडिसन, बहुत बढ़िया, धीरज सिंह ने आंसर दिया है, थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। मैं आपको बताऊं कि एक बार जब एडिसन से पूछा गया कि आपने जो टंजस्टन की खोज की है आपको कैसे पता लगा कि जो टंजस्टन है इसका आपको यूज करने से इलेक्ट्रिक बल्ब चलेगा, और उन्होंने मतलब थाउजेंड्स, हजारों इन्होंने मेटल्स का मतलब हजारों तरीके के तरीके यूज किए कि कैसे बल्ब क्या हो जाए, रोशनी देते, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सक्सेसफुल हुए जब उन्होंने टंजस्टन का यूज किया, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप मतलब ये आपको इतने फेलियर के बाद आप डिप्रेस नहीं हुए, मतलब हजार टाइम या कम से कम इतने बार फेल हुए तो आप डिप्रेस नहीं हुए? तो उन्होंने बहुत मुस्कुराकर एक जवाब दिया कि मैं जितने फेलियर मेरी है ना, वो फेलियर मुझे एक एक्सपीरियंस देके गई, मुझे ये बता के गई कि उन एलिमेंट का, उन फिलामेंट का या उन मेटल का यूज नहीं हो सकता है, तो ये मुझे पता लगा, एक नॉलेज ही देके जाता है। तो कभी भी जो आपके फेलियर होती है उसको भी आप लोग पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप ये सीखिएगा कि मुझको और कुछ सीखने को मिला या और कुछ मुझे सीखना है, अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट करना है, राइट। ऐसे आप तैयारी करोगे तो कभी भी डिप्रेस नहीं हो जाओगे, और जब कभी आपको लगे कि एग्जाम के टाइम में आप नर्वस हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतनी कॉम्पिटिशन है, पता नहीं हाय मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये हाय वो हाय ये हाय अगर करते हो, तो एकदम से उसको छोड़ दीजिए, जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करो और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ और आगे क्या करो, तैयारी करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अपना 100% देने की कोशिश करो यार, अपना 100% देने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इंस्टाग्राम रील्स पे कम ध्यान दो, ठीक है, यूट्यूब को कम चलाओ, वेब सीरीज जो है वो कम देखो, ठीक है। अगर टिकटॉक वगैरह बनाते हो, रील बनाते हो, तो एग्जाम टाइम पर रोक दो, अभी मत करो, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो, एग्जाम निकल जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसके लिए मान्य है? पॉइंट मासेस के लिए, लार्ज मासेस के लिए, टेरेस्ट्रियल बॉडीज के लिए, या ऑल ऑफ द एबव के लिए? मैंने इंस्टाग्राम इसलिए बोला बेटा, मैंने क्योंकि आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि सब लोग रील बनाने पड़े जुटे हुए हैं, कोई डांस का रील बना रहा है, कोई खाने का रील बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है उसकी भी रील बना दे रहा है। हाँ, जेसीबी की खुदाई लोग देख ले रहे हैं यूट्यूब पे बैठ बैठ के, यूट्यूब पे मतलब 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन लोग जेसीबी की खुदाई देख डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ने यह बोला था कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास क्या है m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m2 है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। वो एग्जिस्ट करेगा कैसे? आपका जो फोर्स हो जाएगा उसका फॉर्मूला निकाला था इन्होंने, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब r क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ठीक है, प्रदीप कुमार सारे पे हो जाए या टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो जाएंगी, आपने जो बड़ी बॉडीज हैं वहां पर भी लगता है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, या लार्ज मासेस पे भी लगता है, पॉइंट मासेस पे भी लगता है यहां पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, चारों हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटी, कैमलस, एरेडियोटिस निग्रीसेप्स, या इक्यूस कैबुलस? क्या नाम है यार, क्या नाम है, मतलब बढ़िया बढ़िया नाम दे रखे हैं आपके सामने, बताइए जल्दी से। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या नाम है बताइए जल्दी से। टेलीग्राम पे बिजी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुजल बेद, आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जल्दी से बताइए दोस्त। सेशन को आप जितना शेयर कर सकते हो आप शेयर करो फटाफट, और सारे लोग जुड़े रहे रहा करो आप लोग, ठीक है बात।
जल्दी से बताइए दोस्त। ग्रेट बस्टर्ड जो होती है वो एक आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है पाई जाती है आपके, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरीके से आपका एनिमल होता है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एक बतख जो होती है ना, बतख टाइप में होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट। इसको इसको किस नाम से जानते हैं? प्रदीप ने आंसर दिया है, त्री आंसर दिया है, आदित्य ने दिया है यहां पर गैजेला बेनेटी, आपने करेक्ट आंसर लगाया है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरडियोटिस निग्रीसेप्स। आप याद रखिएगा कि एड्रियोटिस निग्रीसेप्स जो होता है ये नाम होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, राइट। तो मैं इसको जी आई बी लिख देता हूं यहां पर, क्या लिख देता हूं? जी आई बी लिख देता हूं। अब आपके सामने और ऑप्शन भी आ रहे हैं यहां पर, नोट करिएगा। गैजेला बेनेटी जो है वो किसका नाम है? तो आपने सुना होगा चिंकारा, चिंकारा जो होता है एक हिरन की प्रजाति होती है, एक डियर की प्रजाति होती है चिंकारा, मतलब बहुत उछलता है ये। तो चिंकारा, चिंकारा को हम लोग गैजेला बेनेटी के नाम से जानते हैं, राइट। एक आ गया आपका कैमलस, ये तो नाम से लग रहा होगा कैमल, यानी कि जो ऊंट होते हैं ऊंट को हम लोग बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नेम होता है इनका कैमलस होता है, इनको कैमलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात चलिए इसके साथ देखिएगा यहां पर कि जो इक्विस कैबलस होते हैं, इक्विस कैबलस, इक्विस कैबलस किसको बोलते हैं? ये घोड़ा होता है, क्या घोड़ा होता है? हॉर्स, हॉर्स या घोड़े को बोलते हैं क्या हम लोग? इक्विस कैबलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिट एनर्जी। अच्छा पिछला क्वेश्चन आप बता रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो यार अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं यहां पर, न्यूटन्स लॉ की बात करूं, तो वैसे तो यार देखो यहां पर लोग बोलते हैं कि पॉइंट मासेस के लिए होता है ये, जो बिंदु द्रव्यमान होते हैं इसके लिए होता है, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन है ना, ये एक्ट करता है किस पर? आपका जितनी बॉडीज होती है टेरेस्ट्रियल बॉडीज, आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स ग्रहों के बीच में होता है, तो जी इक्वल टू एम टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो लार्ज मासेस होते हैं, बड़े मासेस होते हैं यहां पर होता है, लेकिन मेनली जो आता है वो पॉइंट मासेस के लिए आता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों को, यहां पर याद करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिट एनर्जी। निम्नलिखित तरंगों में से कौन ऊर्जा संचारित नहीं कर सकता है? तो कोई भी अगर वेव है, कोई भी अगर तरंग है जिसमें क्या है मूवमेंट हो रहा है, जो कि फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो वेव क्या करेगी? एनर्जी ट्रांसमिट करेगी ही। जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है ना, तो दिल हमारा क्या करता है? दिल धड़कता है, और जब दिल धड़कता है तो दिल क्या करता है? एनर्जी भी क्या करेगा? ट्रांसमिट करता है। ये नोट करेगा, दिल जो होता है वो हमारा एनर्जी ट्रांसमिट करता है, इसीलिए जो दिल होता है वो बाईं तरफ होता है, मैं आपको बता रहा हूं ये, आपका आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको एकदम वेदों की तरफ लेके जा रहा हूं, यहां से मुझे याद आ गया तो बता देता हूं। हमारी जो नाक होती है, नाक की दो नाड़ियां होती हैं, वन इज कॉल्ड दी पिंगला नाड़ी, एक से जो होती है वो गर्म सांस जाती है, एक से ठंडी सांस जाती है, राइट। और यहां पर हमारी जो टेम्परेचर को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहां पर दो मसल्स लगी होती हैं, जिसको आप लोग साइनस के नाम से जानते हैं। कभी आपने सुना होगा किसी को साइनस की बीमारी हो गई है, तो साइनस की बीमारी वाले को मतलब बुखार आ जाएगा, जुखाम हो जाएगा, खांसी हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। और हर्ट हमारा होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हल्का सा बॉडी का ठंडा पार्ट होता है, तो जब लेफ्ट साइड यहां पे जो हर्ट है हमारा, ये जब वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट जब करेगा तो एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो हर्ट होता है, ठीक है, ये पॉइंट मासेस बेटा पॉइंट मासेस होते हैं, मतलब जो मासेस होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको पॉइंट मासेस बोलते हैं, राइट। चलिए सर प्लीज क्लोज योर लाइव स्ट्रीम। क्या हुआ सोशल, कोई दिक्कत आ रही है बेटा? सोशल कोई दिक्कत आ रही है बेटा? यहां पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, यहां पर भी क्या हो जाएगा एनर्जी ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये आपका ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपका एनर्जी ट्रांसमिट करती है। इसके साथ साथ में जो ट्रांसवर्स वेव होंगी ये भी एनर्जी ट्रांसमिट करती है, लेकिन जो स्टेशनरी वेव है इनमें कोई भी जो मोमेंट नहीं हो रहा, ये आपका स्थिर तरंगे जो होती हैं इन, ये आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं करती है, ठीक है बात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फोर हो जाएगा, स्टेशनरी वेव, राइट। चलिए आगे बढ़े। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ो बेटा, समझने की कोशिश करो, आप बताओ क्या समझ में आया सुजल, आप बताओ समझ में कौन सा नहीं आ रहा है। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा सुजल, ठीक है, दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन, इन फैक्चुअल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है, जहां पर न्यूमेरिकल था मैंने आपको बताया, जहां पर ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। वॉइस लेट आ रही है, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है आई थिंक, वॉइस लेट क्यों आ रही है? चलिए मैं अभी इसको करेक्ट करूंगा, आप अभी काम चला लीजिए, बाकी मैं बाद में देखता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ऑप्शन आपके सामने है लेजर डायोड, इसका यूज किया जाता है, या एमीटर का यूज किया जाता है,
या यहां पर वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए आप लोग एमीटर एमीटर लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, सर्किट में करंट का फ्लो है या नहीं है ये पता करने के लिए आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा ना गैल्वेनोमीटर में, ये जो डिफ्लेक्शन है ये बताता है कि किसी भी सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो सर्किट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बात एमीटर है ये किसके लिए, ये करंट को मापने के काम में आता है। एमीटर जो होता है वो करंट को मापने के काम में आता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के काम में आता है, ठीक है। यहां पे पूछा गया कि डिटेक्ट करना है सिर्फ आपको कि करंट सर्किट में है या नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से आपका एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस में। अच्छा ये क्या दिक्कत आ रही है दोस्त यहां पर, एक बार मैं देख लेता हूं क्या समस्या आ रही है। आवाज क्या डिले में आ रही है या बाद में आ रही है बताइए मुझे जल्दी से, बता दो बच्चा यार प्लीज आप बता दीजिए एक बार मुझे। तो यहां पर एक डिफ्लेक्शन, एक यहां पर एक डिफ्लेक्शन या कि सुई होती है यहां पर, तो जैसे ही इसको क्या करते हैं, इसको आप लगाते हो आपको सर्किट में, तो आपको पता लग जाता है कि यहां पर। हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप से भी डिटेक्ट कर सकते हैं धीरज सिंह, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज, रीढ़ की हड्डी से उठने वाली नसों के जोड़े की संख्या कितनी होती है, 21, 31, 41 और 51। गुड इवनिंग अभिषेक। आवाज बाद में आ रही है, मैं एक बार करता हूं, एक बार फिर से इसको क्या करता हूं, एक बार अभी बताइए आप लोग, अभी क्लियर हुआ, वॉइस इज क्लियर और नॉट, एक बार बता दीजिए मुझे आप लोग, अभी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है प्लीज बता दीजिए। ऑडियो इज क्लियर और नॉट जल्दी से बताइए दोस्त। आदित्य सुजल, द वॉइस इज क्लियर नाउ, वॉइस इज क्लियर नाउ बता दीजिए मुझे एक बार। सुजल बस आप ही बोल रहे हो यार, थोड़ा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी आवाज आ रही है, वो तो हल्की फुल्की यार, पता नहीं क्या नॉइज आ रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, रीढ़ की हड्डी से उठने वाली नसों के जोड़े की संख्या क्या होती है, 21 होती है, 31 होती है, 41 होती है या 51 होती है बताइए जल्दी से, कितने जोड़े होते हैं। तो जोड़े की बात बताएं तो 31 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं कहां पर, रीढ़ की हड्डी से जो उठने वाली जो नसें होती हैं उन नसों की बात की जा रही है, तो 31 पेयर होते हैं, राइट, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लबड़ का उपयोग किया जाता है। सर मॉक टेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें धीरज सिंह, अगर बेटा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन दे देंगे तो आपका यहां पर करने का मतलब ही क्या हुआ, क्वेश्चंस को डिफरेंट करो ना जिससे आपको कुछ सीखने को मिले दोस्त, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर यूज्ड इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लबड़ का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पहले जो होता था, अभी आप क्या करते हो फोन से फोटो खींचते हो, पहले फोन से नहीं खींचे जाते थे, एक रील होती थी, वो रील आपके कैमरे में लगती थी, फिर आप कैमरे से फोटो क्लिक करते थे और फोटोग्राफर के पास जाते थे, उस फोटोग्राफर का जो रील होता था उससे वो फोटो बनाता था। तो वहां पर कई सारे सॉल्ट का यूज किया जाता है, जो जिसमें कि आपका आ जाएंगे यहाँ पर AgCl का भी यूज होता था, आपका AgBr का भी यूज होता था और AgIodine का भी यूज होता था, तो यहाँ पे तीनों का ही यूज होता था। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। बात AgBr को लॉक करते नहीं बेटा, ये आपके तीनों ही राइट, AgCl, AgBr एंड द AgI, ठीक है, सिल्वर क्लोरिन, सिल्वर ब्रोमाइड एंड द सिल्वर आयोडाइड, ठीक है दोस्त। तो यहां पर ये चारों ही हो जाएंगे, चारों ही हो जाएंगे, चारों ही होते हैं, सॉरी तीन आपको दे रहा ना, तीनों ही हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ठीक है, ये आप याद रखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हैलोजन्स है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, आपका अर्जेंटियम के साथ में सिल्वर है, ठीक है। बात सोनू मलिक, आप मुझे जानते हैं क्या, आपने एसिड लैब क्यों छोड़ दिया स्टडी लैब मैंने क्यों छोड़ा, मतलब यार कोई रीजन नहीं होता कहीं भी छोड़ने का। आप सोनू मलिक, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप मिल गए मुझे यहां पर, तो
तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, और इन द सेंस काफी कुछ चीजें होती हैं जो बयान नहीं की जा सकती हैं कभी कभार। सुजल बेटा आज काम चला लो, मैं टेक्निकल टीम से बोल के इसको दिखवा लूंगा बेटा, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी इतनी सी बात मान लो, अगर थोड़ी सी अगर वॉइस में कुछ आ रहा है तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश, और कल मैं टेक्निकल टीम को दिखा के इसको ठीक करवा लूंगा कि क्या इशू आ रहा है, बस आज काम चला लो, राइट? ठीक है, ये मेरी इल्तजा है आपसे, ये मेरी क्या है, रिक्वेस्ट है, बस आज काम चला लो, बाकी मैं देखता हूं कि क्या इशू यहां पर आ रहा है, राइट? चलिए, स्टडी लैब और लैब छोड़ने के पीछे रीजन क्या था यार, पता नहीं मुझे, और मुझे खुद नहीं पता मैंने वहां पर क्यों छोड़ा, और आई डोंट नो यार, मतलब सोनू मलिक मैं बता नहीं सकता उसको, ठीक है, होते हैं कुछ रीजन, ठीक है, मैं बता दूंगा सोनू मलिक, मैं इसको मैं दिखा लूंगा आज कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, विच डज नॉट कंटेन एन एंजाइम, किसमें किण्वक उपस्थित नहीं होता है, किण्वक यानी कि एंजाइम किसमें नहीं पाया जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस में, सलाइवा ऑफ माउथ, जो माउथ से जो सलाइवा निकलती है, लार निकलती है इसमें, या जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें, या जो बाइल जूस हो जाएगा उसमें, किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, थोड़ा स्लो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बताइए जल्दी से, विच डज नॉट कंटेन एन एंजाइम, किसमें किण्वक उपस्थित नहीं होता है, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा ऑफ माउथ, डाइजेस्टिव जूस या बाइल जूस। डीपर लॉक कर दीजिए अंकित कुमार, ठीक है, डीपर लॉक कर दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइल जूस होता है, बाइल जूस में आपका एंजाइम नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइल जूस। यहां से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है कि बाइल जूस कहां से सिक्रीट होता है, तो लीवर से ये क्या होता है, सिक्रीट होता है, इसकी पीएच कितनी होती है, एक सवाल ये भी बनता है, तो पीएच इसकी 7-8 होती है, और ये बेसिक मीडियम का होता है। अब ये बेसिक मीडियम का क्यों होता है, इसके पीछे रीजन होता है, स्टमक में क्या होता है आपका, स्टमक में आपका क्या होता है, आप याद रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव जूस है जब स्टमक में मिलता है, इसका जो पीएच होता है ये 2-3 के आसपास पीएच आप मिलेगा, तो ये एसिडिक खाना हो जाता है, खाना पूरी तरीके से एसिडिक हो जाता है, तो स्टमक के बाद जब आपका इंटेस्टाइन में आपका खाना आता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें एसिडिक खाना आ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होना शुरू हो जाएगी, इस वजह से जो लीवर होता है ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जिसका मीडियम बेसिक होता है, और ये बेसिक मीडियम जब एसिडिक, लाइटली एसिडिक रह जाता है, बहुत एसिडिक खाना नहीं होता, जिससे हमारा पेट जो है वो क्या हो जाता है, सही रहता है। अगर यहां से बाइल जूस सिक्रेट ना किया जाए तो यही एसिडिक खाना अगर ये अल्सर जैसी बीमारी को जन्म देता है, जिसमें पेट में घाव हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मिनिमम एनर्जी पर फोटोन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन न्यूनतम ऊर्जा को ले जाती है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मिनिमम एनर्जी पर फोटोन, बताइए जल्दी से, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और द अल्ट्रावायलेट रेज। तो फिर एसिडिटी कैसे हो जाती है सर, मैं बताता हूं, इसका जवाब देता हूं धीरज आपको, एसिडिटी कैसे हो जाती है, यहां पे बताइए, इसका जवाब हो जाएगा बेटा ये रेडियो वेव्स होती हैं, इसमें जो मिनिमम एनर्जी होती है पर फोटोन, ठीक है, कौन सी होती है, मिनिमम एनर्जी पर फोटोन इज इन द रेडियो वेव्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी। धीरज का सवाल बहुत अच्छा था कि सर फिर एसिडिटी क्यों हो जाती है, तो एसिडिटी होने के पीछे रीजन ये होता है कि जब कभी भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बहुत ही क्या होता है, फैटी होता है, या ऐसा कुछ हो गया, मटन वगैरह खा लिया, कच्चा खाना खा लिया, या ज्यादा खाना खा लिया, तो जब एसिड की पेट में कमी हो जाती है तो क्या करता है, ये एसिड को कॉल करता है, तो यहां से नीचे से आपका एसिड आपका पेट में पहुंचता है, और बाद में आपकी यहां पर गले में जलन जो होती है वहां पर भी होता है, जिस वजह से आपको एसिडिटी लगती है, जलन होती है, राइट। चलिए आगे बढ़े, माइक्रोवेव्स बोल रहे हो आप, माइक्रोवेव्स तो एनर्जी होती है, अच्छी खासी होती है, राइट, अल्ट्रावेट में, वायलेट रेज में भी एनर्जी होती है, एक्सरेज में भी एनर्जी होती है, राइट, पर फोटोन एनर्जी पाई जाती है, रेडियो वेव्स में सबसे कम एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू बेंड स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी, एक वस्तु के सीधे पथ को वृत्तीय पथ में झुकाने के लिए जिम्मेदार बल क्या होता है, मतलब एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू बेंड स्ट्रेट पाथ, मतलब किसी का क्या है, एक स्ट्रेट पाथ जा रहा है, स्ट्रेट पाथ को बेंड करने के लिए आपको सर्कुलर पाथ बनाने के लिए किस फोर्स का उपयोग करना पड़ेगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या एंगुलर फोर्स, तो वो जो फोर्स का नाम होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं, राइट। चलिए, एनर्जी नहीं बेटा धीरज, इसको समझो बेटा, ये क्या बोल रहा है आप, यह आता है मिनिमम एनर्जी पर फोटोन, यहां पर एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो इनमें आपका जो चार दिए हैं इनमें आपका जो हो जाएगा वो मिनिमम होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैसेजेस दैट पासेस अलोंग द न्यूरॉन इज कॉल्ड,
एक न्यूरॉन के साथ गुजरने वाले विद्युत संदेशों का छोटा विस्फोट क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाया जाएगा, स्टिमुलस कहलाया जाएगा, इनको वेव बोलते हैं या शॉक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बोलते हैं ना इंपल्सिव नेचर हो गया, व्हाट इज द इंपल्सिव नेचर, इसको क्या बोला जाएगा? इंपल्स बोला जाता है, ठीक है बा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है इंपल्स बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पर इंपल्स हो गया, राइट, इंपल्स इज द राइट आंसर। नहीं नहीं नहीं, शॉक नहीं होता बेटा धीरज, इसको बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स जो आपके शॉर्ट बर्स्ट होता है, इलेक्ट्रिक मैसेज दैट पासेस अलोंग द न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू जो पास हो जाएगा उसको हम लोग इंपल्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इंपल्स आवेग। आज सर आज मेरा पहला क्लास है इसलिए मुझे पता नहीं है कि आपका क्लास कब से शुरू होता है, प्लीज कमेंट सर। अंकित बेटा मेरी सुबह क्लास होती है 7 AM पर, 7 AM पर आपकी क्लास होती है, ये आपका डिफेंस के सारे बैचेस के लिए होती है। फिर आपका जो नाभिक के लिए जो क्लास हो रही है ये आपकी कितने बजे हो रही है? 3 PM पर क्लास हो रही है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में मेरी जो मास्टर क्लासेस होती है, जो टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लासेस होती है, ये आपकी 10 बजे होती है, 10 AM पर होती है क्लास, एक क्लास 11:30 पर होती है, एक क्लास आपकी 5 PM पर होती है, मास्टर क्लास बता रहा हूं जिसके लिए आपको पास परचेज करना पड़ेगा। और आपकी जो चौथी क्लास होती है वो कब होती है? आपकी 8:30 पर होती है, राइट। तो ये चार क्लासें आपकी यहाँ पे आपकी ऐप पर हो रही हैं, और यहां पर दो क्लासें आपकी बाईटी पे हो रही हैं, यूट्यूब पर हो रही हैं, राइट। 7 AM एंड 3 PM, ठीक है। धीरज सिंह बोल रहे हैं स्टोन कैसे बनता है? बेटा जब स्टोन की बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा स्टोन कैसे बनता है, राइट। अभी आपके जो क्वेश्चन है उनको देख लो, ठीक है। मुझे पता है कि आप मस्ती के मूड में हो, कोई दिक्कत नहीं है धीरज, चलिए आगे बढ़िए। सर आप कहां से? बेटा मैं लखनऊ से हूं, ठीक है। इंपल्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से कर लेते हैं, टाइम आपका ओवर हो चुका है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाए। द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन इज हाउ मेनी डेज? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी, आरबीसी जो होती है, आरबीसी का जो टाइम स्पैन होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये सेल्स अपने आप डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, बोन मैरो में ये बनती हैं। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ बॉडी इनसाइड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन जी, द वेट डब्ल्यू ऑफ द बॉडी इज? यदि लिफ्ट के अंदर एक निकाय त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो निकाय का वजन W है, तो क्या वजन हो जाएगा बॉडी वेट का? अगर लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहे हैं तो क्या वजन लगेगा यहां पर बताइए जरा। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहे हैं आप, ठीक है, अपवर्ड जा रहे हैं यहां पर, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, इस ऑब्जेक्ट में अगर नीचे जो है आपका वेट जो लग रहा है वो W लग रहा है, इक्वल टू mg लग रहा है, और यहां पर मान लीजिए ये क्या है आपका, N है आपका, नॉर्मलाइज आपका, ठीक है, याद रखिएगा। साइंस पढ़ो धीरज बेटा, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। तो याद रखिएगा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, जो वेट है आपका डबल हो जाएगा, आपका वेट जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, या आपका 2W लगेगा, डबल हो जाता है बेटा ऊपर जाने पर। अंकित कुमार मेरी आवाज सही नहीं आ रही बेटा, मैं आवाज का कुछ करता हूं, क्यों सही नहीं आ रही है? मैं इसका कुछ करता हूं, मैं आज का आज ही कुछ करता हूं, टेक्निकल टीम से बात करता हूं क्या इशू आ रहा है आवाज में, और मैं आपको इसको ठीक करता हूं आज, ठीक है। बस आज का मुझे मौका दे दीजिए, कल से आपका ये इशू ठीक हो जाएगा। Body inside the lift is moving upward with acceleration g, the weight W of the body is, तो हो जाएगा 2W is the right answer, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The yellow color of the urine is due to the presence of, जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, उसमें क्या पाया जाता है? लिम्फ पाए जाते हैं, बाइल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, या यहां पर यूरोक्रोम पाया जाता है। किसकी वजह से जो मूत्र होता है इसका रंग जो है वो पीला होता है, यूरिन का कलर होता है जो येलो होता है, तो यूरिन का कलर होता है यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चा? ये होता है यूरोक्रोम की वजह, ए यूरोक्रोम की वजह से, राइट। तो ए आंसर इज द करेक्ट, यूरोक्रोम, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। चलिए ए इज द राइट आंसर, यूरोक्रोम इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, जो डिफ्लेक्शन फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कोरियोलिस फोर्स जो लगती है, कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ के मूवमेंट के टाइम पर जो कोरियोलिस फोर्स लगती है, ये कोरियोलिस फोर्स का जो डिस्कवर था वो कोरियोलिस ने किया। यहां पर आपका जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन की खोज जो की थी वो फेरल ने की थी। किसने की थी? फेरल ने की थी, और इसी को फेरल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, द फोर्स ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी, फेरल हो जाएगा, राइट, फेरल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सी पर लॉक नहीं कर सकते अंकित बेटा, यहां पर हो जाएगा डू, फेरल इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, द मेन एलिमेंट इन द ओर पिच ब्लेंड इज, द मेन एलिमेंट इन द ओर पिच ब्लेंड, तो ओर जो पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड जो ओर होता है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? थोरियम,
आपका मॉलिब्डेनम, यूरेनियम या मैग्नीज, बताइए जल्दी से। चलिए, द मेन एलिमेंट इन द ओर पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ओर का जो मेन मिनरल होता है वो क्या होता है? मिले जुले आंसर आ रहे हैं, बट आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है यूरेनियम होता है, राइट? यूरेनियम कराऊंगा बेटा मैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी कराऊंगा क्वेश्चन, धीरे धीरे जब आपके मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सारा कुछ मिलेगा, एक क्लास में सब कुछ नहीं मिल सकता है दोस्त। एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने गया। जब चोर चोरी करने गया तो वहां पर क्या हुआ, एक आदमी सो रहा था, तो चोर ने देखा कि घर में दूध रखा हुआ है, चावल रखे हुए हैं, पास में चीनी भी रखी हुई है, तो उसने सोचा क्यों ना खीर बनाई जाए। तो चोर क्या करने लगा, खीर बनाने लगा। जब खीर बना रहा था तो जो खुशबू थी वो भाई साहब के नाक में जा रही थी जो सो रहे थे, तो भाई साहब बार बार क्या कर रहे थे, हाथ कर दे रहे थे अपना, बार बार पीछे हाथ कर दे रहे थे। जब जब वो जो चोर क्या, बेटा रुक जा भी बन रहा है खाना, ठीक है, तो वो भाई साहब बार बार हाथ कर देते, चोर से नहीं रहा गया क्योंकि वो इतना इंपेशेंट हो चुके थे। चोर ने क्या किया, गरम गरम खीर निकाली और उनके हाथ में रख दी, तो उनका हाथ जल गया, तो उनका हाथ भी जला और चोर भी पकड़ा गया, ना चोरी हो पाई और उनका हाथ भी जल गया। तो कभी कभी इंपेशेंट होना थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं करा दूंगा आपको, राइट, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं है बेटा, हिंदी में तो है आपके, यार हिंदी में नहीं है। अच्छा, हिंदी में कुछ क्वेश्चन नहीं है यहां पर, मैं बात करता हूं यहां पर। द मेन एलिमेंट इन द ओर पिच ब्लेंड इज, यहां पे हो जाएगा आपका यूरेनियम इज द राइट आंसर, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा थोरियम, थोरियम जो आपका क्वेश्चन आता है, थोरियम, थोरियम आपका किस ओर में पाया जाता है और सबसे ज्यादा थोरियम कहां पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो केरला आपकी स्टेट है, केरला के जो कोस्टल एरिया है वहां पर थोरियम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और थोरियम किस ओर से निकाला जाता है, कोई बताएगा मुझे? एनी वन, टाइमिंग बता दो सुजल बेट, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, जस्ट आपको थोड़ी देर में टाइमिंग बता रहा हूं। चलिए, थोरियम आपका कहां पर पाया जाएगा, बताइए जल्दी से, थोरियम का जो ओर क्या कहलाया जाएगा? मोनोजाइट ओर होता है, राइट, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोरियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टू मेजर हीट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा के मापन की इकाई है, बोल्ट, न्यूटन, फ्लक्स या जूल? यूनिट टू मेजर हीट, हीट को नापने के लिए। बोल्ट से क्या नापेंगे, यहां पे वोल्टेज नापेंगे, ये तो वोल्टेज के लिए हो गया, ठीक है बात। न्यूटन किसके लिए हो गया, ये फोर्स के लिए हो गया, ठीक है फोर्स। ये फ्लक्स जो होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों के लिए यूज में होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नापने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, जूल इज द राइट आंसर, ये हीट को मेजर करने के लिए किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? तो ब्रॉन्ज आपका क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है वो आपका कॉपर और टिन का अलॉय होता है, तो कॉपर एंड टिन के मिश्र धातु को हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि पैलियंटोलॉजी किसका डी ऑफ, बोन्स, प्राइमेट्स, फॉसिल्स या वर्ड्स, जरा बताइए जल्दी से। पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलियंटोलॉजी किसकी स्टडी है? तो पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल्स की जो स्टडी है इसको हम लोग पैलियंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, पैलियंटोलॉजी, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी, पैलेंटो मीन्स फॉसिल्स होते हैं, राइट। यहां पे बोन्स की बात की जाए तो बोन्स का याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। पे प्राइमेट्स दे रखा है, प्राइमेट भी दे रखा है, प्राइमेट यानी कि प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्राइमेट्स, राइट। यहां पे दे रखा है वर्ड्स, वर्ड्स को क्या बोलेंगे, जो ऑर्निथोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ द वर्ड्स, राइट, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है बात, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉसिल्स। आपका अगला क्वेश्चन है यहां पर कि पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? पीएच में बता दूं, पीएच होता क्या, पीएच होता है किसी भी आपका मीडियम का, किसी भी आपके लिक्विड या किसी भी पदार्थ का एसिडिक करेक्टर या बेसिक करेक्टर जानने के लिए। तो यहां से जीरो से लेकर सेवन तक जो होता है वो एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है यानी कि अम्ल, अम्लीय होता है, ये अम्ल होता है, और सात से लेकर चौदह तक जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक यानी इसको बोले क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो एसिडिक एंड बेसिक यहां पे ये हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। ये स्लाइटली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, बेसिक होता है या क्षारीय होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
कुछ लोग आपको टाइमिंग पूछ रहे थे, टाइमिंग जो पूछ रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा आपकी जो टाइमिंग क्लास की क्या है। आपका एक डिफेंस का बैच चल रहा है जिसमें कि आपके डिफेंस में एनडीए सीडीएस एफकेट वगैरह कंबाइंड बैच चल रहा है जीए के लिए, यानी कि पूरी जनरल अवेयरनेस कराई जा रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब कुछ मिक्स कराया जा रहा है। ये क्लास आपकी चलेगी कितने बजे, 7 AM पर डेली आपकी सुबह यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाती है। अभी जो बैच चल रहा है ये स्पेशली आपका साइंस का बैच है जो कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के लिए है बैच ये। यहां पर जो क्लास चल रही है वो आपका 3 PM पर चल रही है। तो ये दो क्लास अभी है आपकी, राइट? तो दो टाइमिंग तो ये बाइटी की हो गई, ये यूट्यूब की टाइमिंग हो गई। कुछ क्लासेस आपकी चलती हैं कहां पर, मास्टर क्लास चलती हैं। मास्टर क्लास आपकी कहां होती हैं, ये फ्री क्लासेस होती हैं डिफेंस के बैच में जो कि आपको टेस्ट बुक के ऐप पर मिल जाएंगे। तो टेस्ट बुक का जो ऐप अगर आपने परचेज कर रखा है तो वहां पर आप जाएंगे, डिफेंस वाले में मेरी 4 क्लासेस चलती हैं। एक चलती है 10 बजे 10 AM पर, एक चलती है 11:30 और एक चलती है 5 PM पर, और 5 PM के बाद एक चलती है, वो चलती है 8:30 PM पर चलती है। तो 4 क्लासेस मेरी होगी, राइट? तो ये क्लासेस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि अगर आपने पास नहीं खरीदा है, अगर आप पास खरीदना चाहते हो, आप वो चारों क्लासें भी करना चाहते हो, तो ये आपका जो आपको पास खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे पास में आप एक कोड लगा सकते हैं एबीएस पास, यहाँ पर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पास लगा सकते हैं मेरे नाम का एबीएस पास, ठीक है। और इसके साथ साथ में नोट, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप सोशल वेद चलिए ये आपका सिंगशोर ले लिया होगा, ये आपका पास आप खरीद सकते हो, यहां पर आप कोड लगा सकते इस पास के नाम से, राइट। और इसके साथ साथ में आपका याद रखिएगा कि जो सेशन है आपका डेली स्टार्ट हो जाएगा कितने बजे, 3 PM पर स्टार्ट हो जाएगा ये वाला सेशन, और एक आपका सेशन 7 बजे भी और होता है, तो आप करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनके सक्सेस को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। जो भी कोई आपको कुछ इशू आ रहा है, कोई भी चीज है आप, तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी चीज आपको अच्छी है बुरी जो भी बोलनी है आप कमेंट कर सकते हो, उसको हम लोग पॉजिटिव भी लेंगे, ठीक है बात। और अपना प्यार बनाए रखिए, इसी तरीके से क्लास करते रहिए और डटे रहिए, लगे रहिए। एग्जाम निकालना है तो निकालना है, मतलब राइट, कुछ भी हो जाए एग्जाम निकालना है तो मतलब निकालना है, ये ठान लीजिए, और निराश मत होइएगा, उदास मत होइएगा, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय, टाटा टेक केयर, बाय।